हे गाइस, तो चलिए आज फिर से बनाएंगे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसके बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा ना, तो एक छोटी चम्मच हम यहाँ पे चना दाल डालेंगे और एक छोटी चम्मच यहाँ पे डालेंगे हम उड़द की दाल और एक छोटी चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पे सरसों के दाने, सरसों या राई जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। फिर कुछ सेकंड्स के लिए इसको सॉटे कर लेंगे ताकि जो दाल है और जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो अच्छे से उसके अंदर भुन जाए। फिर उसके अंदर हम डालेंगे सूजी, तो यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी डाली है और जो भी आप जितना भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग सूजी वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम अच्छे से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इतना कि जो इसके दाने हैं वो हल्के से थोड़े अलग अलग हो जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से जो दाने हैं इसके सूजी के वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे, इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो ठंडा करना ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर दही डालेंगे, अगर गर्म गर्म में दही डालेंगे ना तो दही फट सकती है। तो बस जैसे ही हाथ लगाइए, हल्का सा लगे आपको ये गुनगुनी सी हो गई है तो आप उसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पे दही डालने से पहले मैं कुछ वेजीज इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि बहुत ही वेजिटेबल इडली हम बनाएंगे बिल्कुल अच्छी सी। तो थोड़ा सा गाजर डाला है और थोड़ी सी डाली है यहाँ पे शिमला मिर्च, आप इसके अंदर कॉर्न डाल सकते हैं या फिर प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। और अब जब सब्जियां भी मिक्स हो गई हैं तब हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो वैसे अगर आप 2 कप सूजी ले रहे हैं तो 2 कप दही डाल दीजिए, और अगर 2 कप दही नहीं डाल रहे हैं तो 1.5 कप दही भी डाल सकते हैं क्योंकि बाकी का जो इसमें जो कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट करेंगे वो हम पानी से करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो मैंने जिस बर्तन में दही यूज़ किया था उसी का पानी, मतलब उसी में पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये देखिए सूजी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि सूजी जो है वो पानी एब्जॉर्ब भी करती है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। और फिर डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और उसके बाद इसको एक मिक्स और कर देंगे। तो ये देखिए सूजी जो है हमारी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गई है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट रख देंगे क्योंकि 15 मिनट में सूजी को जितना पानी पीना होगा ना वो उतना पानी पी लेगी, अच्छे से फूल जाएगी। और अगर सूजी अच्छे से फूल गई है तो आपकी इडली भी काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालूँगी। तो आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो पानी डालने के बाद बैटर को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि बीच में बस इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने यहाँ पे डाले हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। जो लाल मिर्च है उसकी जगह पे आप हरी मिर्च भी कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हल्दी से क्या होगा कि थोड़े पीली पीली येलो कलर की बनेगी और इसलिए हल्दी डालिए। अब उसके बाद इडली स्टैंड ले लेंगे, इडली मोल्ड, और उसको हल्के से ग्रीस कर लेंगे ऑयल वगैरह लगा के। और फिर ये जो बैटर हमने बनाया हुआ है ना ये हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद इसको स्टीम कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो जाएंगे फिर आप उसको निकाल दीजिए, हल्का सा ठंडा कर दीजिए और ना एक स्पून से इस तरीके से अगर आप घुमाएंगे तो आपकी जो इडली है ना वो बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगी। आप देख सकते हैं इडली पूरी अच्छे से पक चुकी है और नीचे मोल्ड में भी बिल्कुल नहीं चिपका है। तो एक स्पून से हल्के से स्क्रैप कीजिए और आपकी जो यम्मी सूजी वाली वेजीज के साथ वाली जो इडली है ना गाइस ये बनके रेडी है। इसको आप किसी भी सब्जी या चटनी के साथ या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे इसको टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है, बच्चे तो इसको ऐसे भी खा लेंगे। तो बस इस तरीके से आप वेजीज वाली जो सूजी की इडली है वो बना सकते हैं और अपनी मनपसंद चटनी या किसी भी डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।